अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमरान इरफान लाइफस्टाइल। सो इधर मैं आज मेरा रमज़ान का जो सहरी से लेकर इफ्तारी तक का रूटीन रहता है वो वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो इधर मॉर्निंग मतलब सहरी मैं अयान और अनम सोरी इनके अबू काम से बाहर गए थे, सहरी को जाती डायरेक्ट कर को बोले थे। सो इधर मैं लाइट्स पूरे ऑन कर को तहजुद की नमाज़ पूरी फिनिश कर को इधर मैं सहरी को चावल वगैरह चढ़ा ले को हूँ। एंड रमज़ान में मैं ज़्यादा व्लॉग्स क्या भी नहीं डाली, मुश्किल से 3-4 व्लॉग्स डाल को रहूँगी। बट मैं रेसिपीज़ के रील्स और शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। एंड रमज़ान में ज़्यादा वीडियोस बनाने नहीं हो रहा है, अनम को अयान को संभाल को एंड फिर इबादत करने का भी रहता है ना। सो मैं ज़्यादा व्लॉग की तरफ ये नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आई विल ट्राई कि व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहती। सो इधर सहरी बना ले को हूँ। इधर अयान बात करे बीच बीच में उठ जाते हती मन के बाद जो रही तो चुनो कम्फर्टेबली सोते हैं। सो सोचते मैं इधर चावल रखा को फिर से उनको चेक करने जा रही हूँ उठ गई कि क्या है की कर को। इधर अनम एक रोज़ा थे सो वो वीडियो क्या भी नहीं शूट करी बट शॉर्ट्स में अपलोड कर को हूँ। एंड इधर फर्स्ट थे उन्होंने रोज़ा एंड नेक्स्ट इधर दूसरा रोज़ा रहती कर को उठ को सहरी कर ले को ही। माशाल्लाह से अनम के 2 रोज़े। सो इधर मैं भी अनम अभी बहुत टाइम था सहरी को सो इधर ये लाइट वगैरह डाल ले को मैं भी अनम चाय पी ले को थे पी लियो ठंडी हो जाए को मैं लंच करा ले को हूँ। बिस्मिल्लाह बोलो। अयान को फीवर आ गया अचानक से, मालूम नहीं गई को। अनम के कपड़े पहन ले को बैठ गई। अयान को लंच कराए के बाद इधर मैं जोहर की नमाज़ पढ़े के बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ ले को शेल से भी डाली है बट नहीं चल रही है सो इसका मैं DIY बना ले को हूँ, बनाने के बाद दिखाती हूँ। इधर इफ्तारी और डिनर बनाने में वेजिटेबल्स लेने आको हूँ बाहर। अयान को जईद और अनम के पास खेलने को थे उन्हों छोड़ा गई थी सो बट मैं वापस जाने के बाद मैं जब बुरखा निकालने को थी तब उन्हें देख ले को इतना रुए मैं तो अयान का ऐसा वाला जो मूड रहता है वो फर्स्ट टाइम देखो हूँ सो लिटरली बहुत रुए अयान वरना और तभी रुए। इधर मैं इफ्तारी के वास्ते दही बल्ले बना को थी सो पैक कर ले को हूँ। मम्मी उनको अनम उनकी दादी उनको सभी थोड़ी देर फ्रिज में रख को बाद में देखो भेजना अनम के हाथ। एंड इसकी रेसिपी भी मिल जाती है तुम्हारा शॉर्ट्स में एंड मेरे इंस्टा के आईडी में भी। एंड ये वाला रेसिपीज एक बार ट्राई करो बना को, बहुत अच्छे बने थे दही बल्ले। एंड इधर मैं जो बैटर बचा था उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर को वड़े बना ले को हूँ जो प्लेन आती ना वो चटनी के साथ। और इधर इफ्तार के वास्ते पूरा रेडी कर ले रही हूँ मैं समोसे दही बल्ले एंड जो मैंने बनाई थी वो। एंड इधर पानी वाला रू अफ्जा बना को हूँ आज मैं बना को हूँ सो बिकॉज रू अफ्जा कभी हस्बैंड बनाती हूँ सो हमारे घर में। खैर इधर इफ्तारी के बाद मैं डिनर बना ले को हूँ उनकी दादी उनके जाको ही तो अयान आए तक मैं जल्दी जल्दी से डिनर पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। आज थोड़ा लो फील हो रहा है पूरा सिर में भी आज क्या लगा मुझे सिर। सो डिनर बनाने के बाद मिलती हूँ। मेरा झूला खोल को ऊपर रख दे रही पूरा फुल पॉजिटिव कर रही तो इधर रख रही मोमेंट में केक खा रही है यान भी अनम देबू मैं खाती हूं।
इधर आयान को भी अनम को मई जो भाजी गला को हती ना उसका पानी आता ना, सो वो दो जने उनको भी दे ले को हूँ। इधर हाफ ग्लास हिनु हाफ ग्लास आयान को पिला ले को हूँ। आयान नहीं पी रही बट फोर्सफुली पिलाना पड़ा। एंड ये था मेरा सहरी से लेको इफ्तारी तक का रूटीन। एंड ये वाला वीडियो यहाँ तक इस था। सो आई होप तुम्हारा वीडियो पसंद आया हैगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे उनको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।